हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? आपका स्वागत है आपके अपने शो बिजनेस एकेडमी में। मैं हूँ प्रिंस गुप्ता और मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आप कैसे अपने पैसे को अपने खाते में, अपने अकाउंट में सेफ रख सकते हैं, कैसे जो फ्रॉड हैं, उन लोग हैं, उनसे आप अपने पैसों को बचा सकते हैं। देखिए, जैसे जैसा देश तरक्की कर रहा है, जैसे जैसे अपना भारत तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे फ्रॉड लोग भी तरक्की कर रहे हैं। अब उन्होंने नए नए तरीके निकाल लिए हैं आपके अकाउंट से पैसे को निकालने के लिए। देखिए, पहले क्या होता था, जो फ्रॉड होते थे वो आपके पेटीएम, वो आपके जो कार्ड होता था, कार्ड के डिटेल से पैसे चोरी करते थे, नहीं तो वन टाइम पासवर्ड ओटीपी के थ्रू आपके पैसे अकाउंट से चोरी करते थे। लेकिन अब जैसे जैसा देश तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे फ्रॉड लोग भी तरक्की कर रहे हैं। अब उन्होंने नया तरीका अपना लिया है कि आपके अकाउंट से पैसे निकालने का, जिसमें आप अपने हाथ से पेमेंट करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सच्ची घटना है और हमारे मेरा फ्रेंड है जो इसमें घटित होने से साफ साफ बचा है। और अगर वो थोड़ी सी लापरवाही किया होता और थोड़ा सा ध्यान ना दिया होता तो शायद उसको 26,000 रुपये पल भर में चले जाते और उसको पता भी नहीं चलता। और वो पेमेंट, मजे की बात ये है, वो अपने उस पेमेंट को अपने हाथ से ही करता और उसको पता भी ना होता कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ। हुआ ये था कि उसने ओलेक्स पर एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए डाल रखा था, जिसकी उसने प्राइस 9,000 रुपये रखा था। उसके बाद कुछ दिन बाद उसके पास एक कॉल आता है, जो फ्रॉड कॉल होता है। वो उस सामान की डील करता है कि मैं इस सामान को आपको 6,000 रुपये दूंगा। उसने कहा, मम्मी से पूछा कि मम्मी 6,000 रुपये में दे दे, तो मम्मी ने कहा नहीं, इसको हम 8,000 रुपये से नहीं बेचेंगे। तो उसने कहा कि 7,000 रुपये में डील करते हैं। तो डील जो फाइनल हुई वो 7,000 रुपये में हुई। उसके बाद उसने कहा कि भैया, मैं आपको पेमेंट 1 रुपये भेज रहा हूँ, आप देखिए अपनी यूपीआई आईडी दे दीजिए, उसमें मैं पेमेंट भेजता हूँ, तो जिससे आपको पेमेंट हो जाए। उसने 1 रुपये भेजा पहले, उसने कहा देखिए भैया चेक कर लीजिए पेमेंट गया कि नहीं गया। तो फ्रेंड ने चेक किया, हाँ पेमेंट 1 रुपये आ गया है। उसके थोड़ी बाद उसने कहा कि भैया देखिए, मैं और बाकी पेमेंट भी मैंने आपके अकाउंट में भेज दिया है, आप चेक करिए पेमेंट आया है कि नहीं आया। देखिए, उसने जैसे ही मोबाइल खोला, उसने फोन पे बात कर रहा था, उसने कहा भैया देखिए चला गया होगा, आप तुरंत यूपीआई आईडी डालकर चेक कर लीजिए। उसने इतना भी बोला कि आप यूपीआई आईडी डालकर चेक कर लीजिए। जैसे उसने, फ्रेंड ने उस लिंक पर क्लिक किया, तुरंत यूपीआई आईडी का ऑप्शन आ गया। जैसे ही उसने यूपीआई आईडी डालने चला, उसने देखा कि यूपीआई, उसने दिमाग में आया गया यूपीआई आईडी तो पेमेंट करने के लिए की जाती है। जब उसने बैग जा करके ध्यान से पढ़ा तो वो पेमेंट नहीं किया था, उसने पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी थी। पेमेंट रिक्वेस्ट और पेमेंट में अंतर होता है। पेमेंट रिक्वेस्ट का मतलब ये है, पेमेंट रिक्वेस्ट वो कर रहा है और अपने यूपीआई आईडी डाल के पेमेंट आप कर रहे हो, ना कि पेमेंट वो कर रहा है। जेन्युइन, काफ़ी लोग को इसके बारे में पता नहीं होता है। जेन्युइन लोग मोटा मोटा अमाउंट देखते हैं कि हाँ 6,000 रुपये है, अब वो आपसे बात भी कर रहा है कि भैया 6,000 रुपये मैंने भेज दिया है, तो आप 6,000 देखोगे आगे, पढ़ने आगे और पीछे के शब्द पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझोगे जल्दी जल्दी में। तो यही गलती होती है। ये सबसे नया तरीका है कि जिससे यूपीआई के थ्रू जो फ्रॉड कॉलर हैं वो आपसे पेमेंट करा ले रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखें और कुछ पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। पहला, अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कभी भी जो यूपीआई आईडी का जो पिन डाला जाता है वो पेमेंट करने के लिए डाला जाता है, बैलेंस चेक करने के लिए आपको नहीं डालना होता है, रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं डालना होता है। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, अगर कभी भी जैसे आप पेटीएम वेटीएम यूज़ करते हैं जिसमें वॉलेट का ऑप्शन होता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, पैसे को आप अपने वॉलेट में ऐड कर लीजिए, उसके बाद उसको धीमे धीमे यूज़ करिए, तो इसमें ना आपका यूपीआई का झंझट है ना कोई झंझट है। और आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है तो आपने सीसीवी डाल करके, अपना कार्ड का नंबर डाल करके, आपने एक वन टाइम पासवर्ड डाल करके एक बार पैसा 1,000 रुपये 2,000 रुपये ऐड कर लिया, उसके धीमे धीमे उसको आप खर्च कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा सारा अकाउंट का डिटेल्स भी आपके सामने रहेगा, आपने कितना कहाँ खर्च किया, और इसमें कोई फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटीज भी घट जाती है। सो दोस्तों, आप इस तरह के फ्रॉड से बचे रहें और ध्यान दें कि कोई भी अगर आदमी कॉल करता है और बताता है कि भाई आपका अकाउंट बंद होने वाला है, अकाउंट बंद होने वाला है, आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, मैं बैंक अधिकारी बोल रहा हूँ, बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, कुछ भी बताता हो, आपको किसी भी तरह की कार्ड डिटेल्स नहीं शेयर करनी है, ओटीपी नहीं शेयर करनी है, या कोई रिक्वेस्ट आए उस पर क्लिक करिए, तो उसमें अगर यूपीआई पासवर्ड मांग रहा हो तो यूपीआई पासवर्ड नहीं डालें, पहले बैक जा करके ध्यान से तो उसको पढ़ लें, पूरे मैसेज को पढ़ लें, उसमें रिक्वेस्ट लिखा है या नहीं लिखा है, क्या
क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में देकर तभी यूपीआई आईडी डालें, यूपीआई पासवर्ड डालें, अन्यथा आप भी इस तरह के जालसाजी के शिकार बन सकते हैं। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त, आपके सर्किल में जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो इस तरह के फ्रॉड होने से बच सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।